जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली इस बात पर है कि दो चार ऐसे गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट आए थे मेरे को जब मैंने वीडियो बनाया था एक पहले उस पर कि वर्दी पहनना छोड़ दे। अच्छा कि वर्दी पहनना छोड़ दे, तो पहले मैं उनको जवाब दे दूं, उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं, उसको क्लियर कर दूं, उसके बाद में मेरे को बोलना कि वर्दी पहनना छोड़ दे। ठीक है, ये किसी दुकान से खरीदी नहीं है पहली बात तो, ये मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, ये किसी दुकान से, किसी बनिए की दुकान से या किसी दर्जी की दुकान से खरीदी नहीं है। इसके लिए रात दिन मेहनत की, जो इंसान फौज की तैयारी करता है ना, पहले एक बार उससे मिलना। जिस समय तुम पिछवाड़ा ऊपर करके सोते रहते हो ना, उस समय तक वो जमीन नाप लेता, आसपास की रोडों को टेढ़ी कर देता है दौड़ दौड़ के। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ बता दूं, मेरे को बोलने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए नमूने जी। ठीक है, जिसने भी इस प्रकार का कमेंट किया एक बार जरूर देख ले। और भी जिन कईयों को ये गलत फहमी है, तो गलत फहमी आज मैं दूर कर देता हूं। मेरे को कई लोग बोलते हैं, अरे जब तुमने फौज छोड़ दी, पहले प्रूफ है क्या आपके पास, मैंने फौज छोड़ी कि नहीं छोड़ी है? कोई प्रूफ है नहीं तो मैं दिखाऊंगा आपको प्रूफ कि मैंने छोड़ी कि नहीं छोड़ी उसकी। जब तक मैं बोलता नहीं हूं तब तक आप, मैं तो काफी दिन हो गए भाई नहीं बोल रहा हूं। अरे आपको क्या चाहिए, मेरी निजी लाइफ है। और वर्दी की बात रही तो वर्दी मैंने कमाई है, किसी में दम नहीं है। अगर दम है तो उतरा के बताना मेरी वर्दी। ठीक है, ये गुमान है, गौरव है मेरा, उतरा के बताना। चलिए कुछ चीजें बताता हूं। और अभी भी अगर वर्दी पहन के भी किसी की बनिए की दुकान पे किराने का सामान नहीं बेचता, फौजी तैयार करता हूं देश के लिए अकेडमी में। ठीक है, जवान तैयार करता हूं देश के लिए, देशभक्ति है खून में, इसीलिए जवान तैयार करता हूं। ठीक है, वो भी गरीब निर्धन परिवार के बच्चों को। चलिए दिखाता हूं कुछ आपको, पहले आप देख लीजिए ताकि आपको होश रहे कि क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बोलना वर्दी पहनना मैं तो छोड़ दूंगा। ये देखिए, एकता कपूर इंसल्ट इंडियन आर्मी इन हर सीरियल, इन्होंने वर्दी की तोहीन की थी इनके सीरियल में। इनसे तो आपको कोई एतराज नहीं है क्योंकि करोड़पति है ना ये, इनके कोई रियल में फौजी थोड़ा ना है। इन्होंने ऐसी वर्दी उतारी थी आर्मी के कर्नल की वर्दी, उस रैंक की। ठीक है, उसमें भी मैंने वीडियो बनाया था उस दिन भी। तुम उस दिन कहां गए थे नमूने जी, किस दिन कहां गए थे? अरे हमने कमाई है, पहनने का अधिकार है हमको, भारत सरकार ने दिया है और है अधिकार, तुम कर देना। वर्दी पहनने का मतलब होता है कि देश के नागरिकों के प्रति आपका कर्तव्य बनता है उनकी सेवा करने का, तो सेवा करता हूं मैं हर रोज दिन में। अगर मैं तीन तीन चार चार क्लासे लेता हूं यूट्यूब पे तो वो फ्री है आपके, उसका चार्ज नहीं है। ठीक है, मॉर्निंग में 7 बजे करंट जीके की, 3 बजे मैथ की, 8 बजे रीजनिंग की, ये क्लासे जो मैं करता हूं ना, ये चार्ज फ्री है, बिल्कुल फ्री है। रोज रात 8 बजे आपको रीजनिंग का, मैंने SSGD के बच्चों के लिए रोज रात 8 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए पूरा कोर्स कराने की, भाई 30 दिन में पूरा कोर्स कराऊंगा, ये कोर्स कराऊंगा, वो कोर्स कराऊंगा, इसका कोई चार्ज लेता हूं मैं? बिल्कुल फ्री। तो वर्दी का मतलब यह है कि आप देश के लोगों की सेवा करें, और यह सेवा है समझ लेनी है, ये देशभक्ति है मेरी, इसलिए करता हूं, नहीं तो काम और भी बहुत है। और एक फौजी इंसान के लिए समय निकालना कितना बड़ी बात है वो आपको नहीं पता। दूसरी बात, आप इतने दिन से छुट्टी पे, अरे पहले पता करिए, बहुत सारे प्रकार है, आप अभी जानते नहीं है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो उतना ज्ञान मत बांटिए। ठीक है, दूसरी, चलिए ये वो सीरियल है जिसपे ये हुआ था। ठीक है, द चेंज रियलिटी वेरी शेमफुल फॉर द ऑल इंडियंस। इस समय कोई नहीं बोला था ये था आर्मी की, ये देखो वर्दी। ठीक है, और इसके अंदर इतना भद्दा सीन था, उसको तो तुम बड़े चाव से देख रहे थे। एक मैं वर्दी पहन के अगर पढ़ा रहा हूं, बच्चों को मोटिवेट करता हूं, इसके प्रति जागरूक करता हूं, उनमें के जज्बा जगाता हूं, उनको मोटिवेट करता हूं अपने माँ बाप के प्रति, देश के प्रति, और उनको जॉब लगने के प्रति कि भाई फौज की नौकरी करनी है उसके प्रति, तो उसके लिए तुम्हारे ऐसे कमेंट आते भद्दे। उधर है लारी, तुम बहुत कौन बोलने वाले मेरे को, मैं तुम्हारी सुनूंगा क्या? चलिए ये देखिए, ये वो सीन है जिनको तुम बड़े चाव से देख रहे थे। ये इनको वर्दी पहनना किसने बोल दिया भाई? ये तो सारा विमल बेच रहे हैं देश में, जर्दा बेच रहे हैं, गंध बेच रहे हैं, ये जहर बेच रहे हैं देश के लोगों में, दाने दाने में केसर का दम। किसने बोला इनको वर्दी पहनने का? इनको बोलोगे क्यों पहनी है वर्दी? हमने कमाई है, मेहनत की है रात दिन, पेपर फाइट किया, रनिंग फाइट किया, मेडिकल पास किया है, सड़कों पे दौड़े रात दिन मेहनत की है, तब जाके अभी कम से कम 70 लाख बच्चों में से मात्र 25,000 फौजी बनेंगे, इस प्रकार से कंपटीशन पास किया हमने ये वर्दी पहनने के लिए, तो अधिकार है इसको पहनने का, भारत सरकार की दी हुई है, और पहनेंगे बिल्कुल जब तक जिएंगे। तो इनको बोलो ना, हमें किस लिए बोल रहे हो साला, दाने दाने में केसर का दम, घंटे का दम, जहर बेच रहे लोगों में, अपने बच्चों को खिलाए दाने दाने में केसर का दम, किसने दिए इनको? इनके साथ में एक वो भी है शाहरुख खान जी भी है, उसकी उनकी भी पिक होगी, चलिए उनकी भी दिखा देते हैं ना आपको साथ में।
वो भी एक प्राणी, ये लीजिए, ये भी वो भाग भाग के दौड़ दौड़ के आ, दाने दाने में केसर का दम। इनको किसने पहना ये वर्दी है? किसने पहना इनको, किसने अधिकार दिया ये वर्दी पहनने का? तब इनको बोलिए कि हरामी पना बंद करे, देश के लोगों को इतना गुमराह कर रहे हो तुम, जहर बेच रहे हो। हम मैं पढ़ाता हूं कमांडो अकेडमी जो मेरा एप्लीकेशन है उस पर मात्र 300 रुपए में, अरे 300 रुपए में SSGD का संपूर्ण कोर्स देता हूं, मात्र 300 रुपए में उसकी कोस्ट। इसमें से अगर GST वीएसटी काट के 150 रुपए तक मेरे पास में नहीं आते, उसमें हर एक सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, साइंस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, टोटल हर सब्जेक्ट का मात्र 300 रुपए में, हर एक सब्जेक्ट का कम से कम टोटल मिला के 400 से 500 वीडियो होंगे जो मेरे एप्लीकेशन है कमांडो अकेडमी, जाके देख लियो उसमें, मात्र 300 रुपए में। हमारी जो अकेडमी है इसमें भी, मैं अभी एक पहले एक वीडियो बनाया था उसमें देखना, गारंटी बेच चलाते हैं, नौकरी नहीं लगने पर फीस भी नहीं लेते, वापस रिटर्न कर देते हैं फीस। इस प्रकार से बेच चलाता हूं मैं अपनी अकेडमी में, इस प्रकार से तैयारी करवाते हैं। बोल रहा है बहुत बढ़िया बिजनेस है, ये बिजनेस है, वो बिजनेस है। अरे तो उससे मैं तुम्हारे से क्या ले रहा हूं? अगर यूट्यूब पर मैं तुम्हारे को एक एक दिन में 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ाता हूं, और अगर तुम्हारे को, मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरे से मोटिवेट होते हैं देख के कि हाँ भाई हमको भी आपके जैसा बनना है, वो जी बनना है, तो उनके लिए एक मोटिवेशन है, हम बने जिंदगी में। आपको चाहते हैं कि आपका भी घर परिवार सुधरे, आपका भी सपना पूरा करे, इसलिए रात दिन मेहनत करते हैं। तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? तो बोलने से पहले इनको बोलिए कि वर्दी पहनना छोड़े, फिर मेरे को बोलना, फिर मैं पहनना छोड़ दूंगा वर्दी, और मैं तो फिर भी ना छोड़ूंगा क्योंकि कमाई है मैंने, किसी दुकान से खरीद नहीं, मैं तो पहनूंगा। अगर तुम्हारे में दम है, ये रहा वीडियो, ये पहन रखी वर्दी, और उतरा देना किसी में दम हो तो, है दम है, तो उतरा देना मेरी वर्दी। कमेंट करने से पहले 10 बार सोचा करो, ठीक है? ये फौजी का चैनल है, देशभक्ति से जुड़ा हूं मैं, भगत सिंह का चेला हूं मैं, हर बार बोलता हूं, ठीक है? किसी की लेके नहीं रखेंगे हम उधार, हिसाब बराबर कर देंगे, किसी की उधार नहीं रखता मैं, ठीक है? जितना कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से, जितना मैं कर सकता हूं उतना करता हूं, हर एक छोटे से छोटे बच्चों के लिए, हर एक इंसान के लिए। अरे ऑनलाइन जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सारी एक ही दिन में, 3-3, 4-4 क्लास करता हूँ मैं, वो सब फ्री इसी चैनल पे। उसके अलावा ऑनलाइन जो मेरा एप्लीकेशन है कमांडो अकेडमी के नाम से, अब प्ले स्टोर पे जाके देखना, कम से कम 20-30 हजार के आसपास डाउनलोडिंग है, जिसमें कमेंट रेटिंग देना है इस ऐप की 4.6 के आसपास रेटिंग है, ठीक है? मात्र 300 रुपए में लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर, ये सब इनमें, कोई देता कहीं है ऑनलाइन पे, लेकिन मैं देता हूं, हर सब्जेक्ट दिया हुआ है। क्लास देखना, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स देखना, हमारे अकेडमी के पूरे नोट्स जो अकेडमी बच्चों को लिखवाते हैं उनको स्कैन करके, टेलीग्राम ग्रुप है इसी नाम से, पूरे के पूरे नोट्स बिल्कुल फ्री इसमें, पूरे टेलीग्राम ग्रुप में हमारी एप्लीकेशन पे PDF फाइल अपलोड करते हैं बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं उनका। तो ये हम दूसरों की सेवाएं तो कर रहे हैं और क्या है, और इस वर्दी का मतलब भी यही है, त्याग, दूसरे के लिए कुछ करना, तो कर रहे हैं। अरे हम छोटे भाइयों के लिए कर रहे हैं, अपने के लिए, तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी निजी लाइफ है कि मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, और जब भी मैं कोई डांस का या ऐसा वीडियो बनाता हूं अपने फैमिली के साथ, बोल रहे हैं आपको ये शोभा नहीं देता। क्यों नहीं शोभा देता भाई, मैं क्यों शोभा नहीं देता? मेरी निजी जिंदगी भी है, मेरी इस टीचिंग के अलावा, इस वर्दी के अलावा एक सिंपल लाइफ भी है मेरी, जिसमें मेरी माँ है, भाई है, बहन है, बीवी है, तो उनके साथ भी जीना है, ठीक है? उनको भी खुशी देनी है दो पल की, तो वो भी मेरी निजी लाइफ, पढ़ाने के अलावा, टीचिंग के अलावा, मेरे को और वो चीज, सब चीजें भी अच्छी लगती है। जो मेरा कमांडो लव लाइफ वाला जो चैनल है उस पर जब भी मैं कोई भी ब्लॉग वीडियो डालता हूं, तो ऐसे भद्दे 2-4 ऐसे कमेंट आते हैं जो बोलते हैं अरे तुम्हारे को ये शोभा नहीं देता। क्यों नहीं शोभा देता भाई, क्यों शोभा नहीं देता? अगर मैं डांस कर रहा हूं, अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मेरे को आता है, कोशिश करता हूं, 1 महीने में 8 मिलियन व्यू, 1 महीने में 8 मिलियन व्यू जा रहे हैं, तो क्यों नहीं करूं? मेरे को अच्छा लगता है तो करता हूं, किसी के आपके जेब से आके चोरी तो नहीं करता, मेहनत करता हूं। अगर वो वीडियो भी बनाता हूं तो उसके लिए भी मेहनत करता हूं भाई, आपको क्या पता कितनी मेहनत लगती है रात दिन। अगर 4 क्लास यूट्यूब पे लेता हूं तो आपको क्या पता कितनी मेहनत लगती है। अकेडमी में बच्चों को सुबह 4 बजे रनिंग कराना, फिर उनकी क्लासें मेंटेन करना, आपको पढ़ाना, अरे तुम्हारे को क्या पता पूरे दिन में, मैं पूरी रात में केवल 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोता, 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। किसी मेरी अकेडमी के बच्चे से मिलाऊंगा, उससे पूछना, तो इस बार अगली बार बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, लाट लो,
ठीक है। कमेंट करने से पहले, एक फौजी का चैनल है, देश को समर्पित है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है।